और गाइस यार यहाँ का व्यू गाइस पूरा अमेजिंग गाइस, देखने बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पर ना गाइस ठंडा हवा इतना तेज मतलब चल रहा है ना, क्या ही बोले आप लोग को। तो गाइस यार खुला हुआ है माँ का मंदिर, ठीक है चलिए अब चलते हैं और आप लोग सभी को गाइस दर्शन करवाते हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छा होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस अभी का टाइम हो रहा है, वो बज रहा है शाम का गाइस, लगभग 5 बजता होगा है ना। तो गाइस अभी मैं आया था रामगढ़, क्योंकि गाइस दीदी घर से यहाँ पे मतलब मम्मी घर जा रही थी, तो हम रामगढ़ तक मम्मी को छोड़ दिए और यहाँ पे आ गए हैं रामगढ़ का ये जो कि माया टुंगरी मंदिर, ठीक ना, जो कि ये पहाड़ में है। तो देखते हैं गाइस अभी नीचे का व्यू। अभी हम यहीं पर आए हुए हैं और अभी का शाम का टाइम हो रहा है, तो ये हम यहाँ पे गाइस दूसरा बार ये आ रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो कि आया था उतना मस्त वीडियो नहीं बनाने सके, बट अभी फुल पावर में आ चुके हैं। और गाइस कैसा लग रहा है कमेंट भी कीजिएगा ना, जस्मत देखते हैं न्यू वाला। तो आप लोग देखते हैं गाइस कुछ नीचे का व्यू है ना, दो चार गाड़ियां हैं और एक मेरा बाइक। तो देखते हैं अभी यहाँ पर ऊपर की ओर चलेंगे हम लोग, तो साइड साइड का आप लोग व्यू देखते हैं कुछ इस तरह से है शाम शाम का टाइम में। और लगता है गाइस भीड़ होगा कुछ, जो कि दो चार बाइक यहाँ पे है ना। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं। और एक बात गाइस, आज का ब्लॉग जो कि बहुत ही अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि गाइस उस टाइम जो कि हम जब भी आए थे, क्योंकि सीढ़ी भी गिन के नहीं बताते कितना सीढ़ी है, जो कि अभी माता रानी के अभी दर्शन करवाऊंगा सबको, ठीक ना। तो चलिए फिलहाल चलते हैं। और ये घंटी गाइस, माता रानी, तो चलो गाइस फिलहाल चलते हैं अभी है ना। तो गाइस यार अब चलिए चलते हैं ऊपर की ओर, आप माता रानी से दर्शन करवाते हैं सभी को, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस सीढ़ी तो बहुत ही अभी ऊपर हम लोग को जाना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ के ऊपर माता रानी है। तो अभी सभी को आप लोग को दर्शन करवाएंगे, वीडियो के एंड तक देखना है ना, और पसंद आए तो गाइस कमेंट जरूर करना। चलता हूँ फिलहाल, और ये हेलमेट साथ में। तो गाइस यार मेरा तो हालत खराब हो गया आधे रास्ते में, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर से आप लोग गाइस व्यू देखते हैं पीछे साइड का, अमेजिंग गाइस पूरा फुल पावर देखते हैं कितना मस्त। जो कि ये चुट्टूपाली घाटी के जस्ट बगल में है ना पहाड़ मंदिर, तो देखते हैं गाइस ऊपर से व्यू। आप लोग चेक आउट दिस, आप लोग देखते हैं गाइस पूरा कितना मस्त व्यू, और बहुत सारा गाड़ी चल रहा है वहाँ पे, जो कि उसी से अभी जाएंगे हम रांची है ना, देख सकते हैं। तो फिलहाल गाइस चलते हैं अभी ऊपर, अभी आधा रास्ते पे भी नहीं आए हैं, ठीक है चलो गाइस। और हवा तो मस्त चल रहा है खैर। और गाइस यार यहाँ का व्यू गाइस पूरा अमेजिंग गाइस, देखने बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पर ना गाइस ठंडा हवा इतना तेज मतलब चल रहा है ना, क्या ही बोले आप लोग है ना। तो चलिए गाइस फिलहाल चलते हैं आगे, हम लोग आते रास्ते में भी है, हम अकेला हम और ये मेरा हेलमेट, तो चलते चलिए गाइस चलते हैं फिलहाल। और गाइस आप लोग का गाइस प्यार एंड सपोर्ट गाइस फुल पावर, ठीक है चलता है। और हमको पानी भी प्यास लगा है, तो अभी बट नीचे जाएंगे तब पियेंगे है ना, अभी चलते हैं फिलहाल। तो गाइस यार आप लोग यहाँ से देख सकते हैं पूरा चुट्टूपाली घाटी दिख रहा है गाइस, ठीक है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना प्यारा व्यू है शाम शाम का टाइम में। अभी जैसे जैसे ऊपर जा रहे गाइस व्यू काफी मस्त दिख रहा है, तो चलिए चलते हैं फिलहाल, आप लोग ब्लॉग में बनते हैं, ठीक है फुल पावर गाइस, कमेंट लाइक बनता है। और गाइस हमको जो कि हंसी भी लग रहा है, क्योंकि गाइस आप लोग को बताए थे कि सीढ़ियां गिनूंगा, बट मैं बोलते बोलते भूल गया। कोई ना चलो ऊपर जाके पता करते हैं, ठीक है। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं उतना सीढ़ी चढ़ने के बाद, ठीक ना। अब देखते हैं गाइस खुला हुआ है कि नहीं, क्योंकि गाइस हम पिछला बार आए थे तो खुला नहीं था मंदिर, बट देखते हैं अभी। तो गाइस यार खुला हुआ है माँ का मंदिर, ठीक है चलिए अब चलते हैं और आप लोग सभी को गाइस दर्शन करवाते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं अभी, और कोई तो है नहीं, बाबा जी इधर है, प्रणाम बाबा। तो गाइस देख सकते हैं मंदिर आ चुके हैं, जय माता दी। तो गाइस घंटी है, तो
देखते गाइस, आप लोग सभी दर्शन कर लीजिए माता का। जय माता दी, आप सभी को गाइस दर्शन कर ले, ठीक है, माता रानी का। देख सकते हैं जो कि उधर माँ दुर्गा है, इधर माता रानी है, उधर भी है बजरंगबली, ठीक है। तो गाइस, आप लोग को माता रानी से दर्शन करवा लिए है ना। अभी देख सकते हैं यहाँ पे माँ दुर्गा है, माँ मैया माया है और बजरंगबली भी साथ में है, ठीक ना। तीन मूर्ति यहाँ पे, तीन है ना। मंदिर के जस्ट यहाँ पे बाहर में देख सकते हैं काफी मस्त व्यवस्था बनाया गया है, क्योंकि टाइल्स मार्बल है। और इधर आप लोग को पानी पीने का भी सुविधा मिल जाएगा, ठीक ना। देखते पानी गिरता है या नहीं, पानी गिरता है गाइस, पूरा ठंडा पानी है ना। हम भी पियेंगे जो कि बहुत प्यास लगा हुआ है। और इधर देख सकते हैं पूरा मस्त सा बनाया गया है। और गाइस, माता रानी से हम भी प्रार्थना करें कि आप लोग, आप सभी का मनोकामना पूर्ण हो, आप सभी को आशीर्वाद दे और खुश रखे, ठीक ना। चलिए गाइस चलते हैं नीचे हम लोग। आप लोग सभी को दर्शन करवा लिए, इधर अंदर में भी माता रानी का दर्शन कर लिए हैं। और गाइस, उसका साइड जस्ट बगल यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही मस्त जगह बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे घूमने का लगता है। यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी है माता रानी। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं पूरा मस्त है गाइस, यहाँ पे हवा चल रहा है, यहाँ पे गाइस मजा ही आ रहा है कुछ, ठीक ना। ऊपर में ठंडा ठंडा हवा आप लोग को ऊपर में दिखा दी। अब चलिए चलते हैं, हम थोड़ा और आप लोग को दिखाते हैं जहाँ पे गाइस नाग नागिन का गुफा है, जो कि ये पहले नहीं था, अब जो कि बहुत ही बदलाव हुआ है। अभी चलिए चलते हैं नीचे हम लोग, नाग नागिन का गुफा आप लोग को दिखाते हैं। ये जो रास्ता है ना गाइस, ये रास्ता नाग नागिन का गुफा ले जाएगा। चलिए इधर, तो गाइस आप लोग भी दर्शन कर लीजिए है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, जय भोलेनाथ, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। तो गाइस आप लोग भी दर्शन कर लिए, देख सकते हैं इधर भोलेनाथ जी है ना। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गाइस, सबके लिए प्रार्थना करूंगा भगवान से, ठीक ना। आप सभी का मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी को हमेशा खुश रखें, ठीक है। तो दर्शन कर लिए हम लोग, चलिए चलते हैं अब ऊपर की ओर। नहीं सर, देख सकते हैं यहाँ पे पंडित जी, सबसे पहले प्रणाम पंडित जी है ना, आप यहीं पे रहते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे पंडित जी है। अभी हम आप पंडित से पूछते हैं जो कि यहाँ पे मंदिर कब खुलता है और कब बंद होता है, क्योंकि बहुत कोई आता है ना गाइस, गलत टाइम में आता है, क्योंकि मंदिर उस टाइम बंद रहता है। तो यहाँ पे पूछते हैं पंडित जी, मतलब कि कब, कितना बजे खुलता है मंदिर? सवेरे 7 बजे खुलता है। तो गाइस सुबह में 7 बजे खुलता है और बंद कितना बजे होता है? 12:30-1 बजे बंद होता है। तो यहाँ पे सुबह 7:30 बजे खुलता है और 12 बजे बंद होता है, 12 से 1 बजे तक बंद हो जाता है। तो आप सुबह से है ना? अच्छा, 1 बजे, यानी कि 2 पंडित जी रहते हैं यहाँ पे 2 पंडित जी रहते हैं, सबका अलग अलग टाइम है ना। 1 बजे से मेरा टाइम है। अच्छा, आपका टाइम 1 बजे? 1 बजे से 6:30 बजे तक। अच्छा, 7-7 बजे तक। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू। तो जी गाइस देखिए, आप पंडित जी बताए हैं ना, तो आप लोग सही टाइम में आइएगा, क्योंकि बहुत कोई आता है गलत टाइम में और माता रानी का दर्शन भी नहीं हो पाता है। तो फिलहाल अब चलते हैं गाइस, हम लोग दर्शन कर लिए, आप सभी को भी दर्शन करवा लिए। और गाइस ये झंडा हिल रहा है, तो चलिए गाइस सब चलते हैं नीचे। तो गाइस अभी ना माता रानी का दर्शन हो चुका है और अभी हम नीचे आ चुके हैं, अभी तो बस आधे रास्ते में है ना, अभी नीचे जाना है। तो गाइस हम लोग ना आज का व्लॉग यहीं पे रखते हैं। आई होप तुमको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो गाइस लाइक कमेंट करना और आप लोग सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, बट 1 सेकेंड। और गाइस आप लोग को पता होगा अभी हमें रांची में हूँ अपना दीदी के यहाँ, तो गाइस आप लोग कमेंट कीजिए रांची में कौन सा प्लेस में जाए जो कि अच्छा है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है घूमने का, बट जगह बहुत है बट हम कहीं जा नहीं सक रहे हैं, अच्छा लगा है ना। तो आप लोग रांची से कोई होंगे तो गाइस पूरा कमेंट कीजिएगा है ना। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आपसे हमेशा खुश रहना। जय माता दी, बाय बाय गाइस।